वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है जो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर एक महीना पहले आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने आपको आईटीआई की इम्पोर्टेंस बताई थी और अप्रेंटिसशिप की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो भाई उस वीडियो में इतने सारे कमेंट्स आए कि उस वीडियो से मुझे कुछ कमेंट्स को निकालना पड़ा और आपको उसकी अपडेट यहाँ पर देने पड़ी, क्योंकि वो बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो है इन चीज़ों का जवाब भी नहीं दे रहे। तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर मुझे जो है ये वीडियो बनाने पड़ी। तो पहले मैं आपके कमेंट्स के जवाब यहाँ पर दे देता हूँ और फिर जो है आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि अप्रेंटिसशिप की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो है उपेंद्र जी का। ये बोल रहे हैं अप्रेंटिस करके घूम रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट जो कमेंट है वो है यहाँ पर कासिम जी का। ये बोल रहे हैं अप्रेंटिस तो कंप्लीट हो गई लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, अभी घर में बैठा हूँ। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक साथ दूंगा। नेक्स्ट जो सवाल है, किसी भी काम की नहीं है अप्रेंटिस डिग्री, अप्रेंटिस करने के बाद कोई कंपनी वाला पूछता ही नहीं है, अप्रेंटिस को मेरे पास कर रखा है, अप्रेंटिस की डिग्री 2014 में की थी। तो इनका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है आपका, ये है यहाँ पर बाबर खान जी का। ये बोल रहे हैं अप्रेंटिस करके सब घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं होता इससे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है यहाँ पर मारुति सुजुकी में अप्रेंटिस कुछ सिखाया नहीं जाता, सिर्फ काम करवाया जाता है, अपने मतलब के लिए अप्रेंटिसशिप करवाती है मारुति सुजुकी, कम पैसे में काम करने वाला मिल जाता है इसलिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये बच्चे का थॉट है वो है, भाई लोगों अप्रेंटिस तो आईटीआई करने के बाद भी कुछ नहीं होता है, इससे अच्छा है और कुछ कर लो, लाइफ के 3 साल खराब मत करो, आईटीआई तो अप्रेंटिस इससे अच्छा और कुछ कर लो। तो इसका भी जवाब मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है अप्रेंटिस से, केवल भविष्य बर्बाद करना है, परमानेंट जॉब नहीं मिलती, अप्रेंटिस कराकर निकाल देते। ये अभिषेक जी का यहाँ पर इन्होंने थॉट रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बच्चे ने कमेंट किया है वो है, भाई लोग अप्रेंटिस के बाद जो है नाम पर 1 साल के लिए उससे यहाँ पर बस और कुछ नहीं करवाया जाता, काम करवाया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, कोई फ़ायदा नहीं 1 साल ऑयल सेक्टर में अप्रेंटिस करके घर में घुस कर बैठा हूँ, जैसे अप्रेंटिस करने आसान है वैसे प्लेसमेंट भी देना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है विजय जी का। ये बोल रहे हैं अप्रेंटिस के नाम पर सिर्फ शोषण होता है, 1 साल बाद बाय बाय कर दिया जाता है, अप्रेंटिस मतलब कम पैसे में 1 साल के लिए अच्छा कारीगर मिलना। तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया, ये बच्चे मुझसे तब जुड़े हैं जब इन्होंने अप्रेंटिसशिप कर लिया। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, देखो अप्रेंटिसशिप करना कोई भी बेकार नहीं, अप्रेंटिसशिप करने के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवा दूंगा जो अप्रेंटिसशिप करने के बाद 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं, और मैं आपको ऐसे बच्चों से भी मिलवा दूंगा जो अप्रेंटिसशिप करने के बाद घर पर बैठे हैं। लेकिन अप्रेंटिसशिप आप किस जगह से कर रहे हैं, कौन सी कंपनी से कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, कौन से प्राइवेट डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, ये आपके डिपेंड करता है। और भाई जब भी आपको पता, देखो अप्रेंटिसशिप करना बिल्कुल बेकार नहीं है। इन बच्चों ने कहाँ से अप्रेंटिसशिप करी मैं जानता हूँ, इन्होंने कोई लाला कंपनी से अप्रेंटिसशिप करी है, इसी वजह से इनको अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा नहीं मिला। अप्रेंटिसशिप के बहुत ही फायदे हैं, अप्रेंटिसशिप का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद इन बच्चों की तरह आपका भी नुकसान होगा तो वो आप गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट बंद कर देती और आपको फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। देखो भाई, मेरा मकसद है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना, इसी तरीके से मैं आपको लिए बुक्स भी अपडेट जो है करके आपको दे रहा हूँ। ई बुक्स मैंने आपके लिए बनाई है, फिटर की बुक आपके लिए बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसी तरीके से चाहे बुक हो चाहे कोई जनरल इन्फॉर्मेशन हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही तरीके से गाइडेंस दूँ। देखो भाई, एक और बार बता रहा हूँ, अप्रेंटिसशिप करना कोई बेकार चीज़ नहीं है, लेकिन अब बेकार भी हो सकता है, लेकिन कैसे, आपको मैं 10 बार बोलता हूँ। मुझे बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा अप्रेंटिसशिप में नंबर आ गया प्राइवेट कंपनी में, क्या मुझे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, यहाँ पर ना बहुत सारी प्राइवेट, देखो भाई अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर आ जाता है, चाहे वो IOCL हो, DRDO, उसके बाद आपका ISRO हो, BHEL हो, उसके बाद आपका HAL हो या फिर रेलवे हो, अगर आपका इन डिपार्टमेंट में नंबर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा।
लेकिन इसके बाद बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनीज है, अगर आप उनसे अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। एक बार आप मुझे कॉल करके पूछ लें, आपको पता है कॉल मी फॉर ऐप से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ लें कि सर ये कंपनी सही है या गलत है, या फिर आप एक काम करें, अगर आपका उस अप्रेंटिसशिप से आपको ऑफर मिलता है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप एक काम करें अप्रेंटिसशिप ऑफिस के या फिर जो कंपनी है उस ऑफिस के बाहर जाएं, उस ऑफिस से जो एम्प्लॉयज़ निकलते हैं उनसे पूछें कि ये किस तरीके की कंपनी है और किस तरीके का काम इस कंपनी में होता है, ताकि आपका करियर बेकार ना हो। क्योंकि यार एक साल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों के लिए, मैं जानता हूँ, क्योंकि एक साल आप ये मत सोचने कि एक साल अप्रेंटिसशिप करना हमारा वेस्ट चले गया तो हमारा करियर ख़राब हो गया। देखो भाई थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके करियर पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले से ही अवेयर हो जाएं, जहाँ से भी आप अप्रेंटिसशिप करें 10 बार सोचें, 10 बार देखें और 10 बार वहाँ पर जाकर देखें कि ये किस तरीके की कंपनी है, तब जाके आप अप्रेंटिसशिप करें। क्योंकि यार देखो आपका करियर है, एक साल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है मैं जानता हूँ, इसलिए आपको खुद ही जांच पड़ताल करने पड़ेगी कि किस तरीके की कंपनी है और किस तरीके का काम उस कंपनी में होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अप्रेंटिसशिप करें, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं तो 10 बार आप सोचें, 10 बार जो है कंपनी की जांच करें और तब जाके जो है कदम रखें वहाँ पर। और जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो मुझे पता है कि उन्होंने किस कंपनी से अप्रेंटिसशिप करी होगी जिससे कि उनको फ़ायदा में नहीं मिला। अगर आप प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करने हैं, मैं एक और बार बोल रहा हूँ कि कंपनी की जाँच पड़ताल ढंग से कर लें तब जाके अप्रेंटिसशिप करें। और अप्रेंटिसशिप करने का कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप सही जगह से करते हैं, अगर आप गलत जगह से करेंगे, अगर किसी लाला कंपनी से करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आपको बताया मैं आपके लिए बुक्स लेकर जल्दी ही आने वाला हूँ, बाकी फिटर की बुक आपके लिए आ गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन से भी आप वीडियो देख सकते हैं और बुक को परचेज कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू में आपको जरूर बेनिफिट करेगी। बाकी आने वाले टाइम पर मैं आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा।